स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर लेट्स रीड। व्हेन द बैटल गॉट ओवर, जब युद्ध खत्म हो गया, एंड ऑल द एनिमल्स बिगेन मूविंग इवनली टूवर्ड्स देयर होम, सारे जो एनिमल्स थे वो अपने घर को जाने लगे। द बैट ऑल्सो ज्वाइंट द एनिमल्स, तो बैट ने भी उनको ज्वाइन किया, वो भी उनके साथ आ गया। वाइल मूविंग डाउन द रोड एनिमल्स सडनली नोटिस्ड द बैट, जब वो जा रहे थे, मूव कर रहे थे घर की तरफ, रोड की तरफ जब वो मूव कर रहे थे, तो उन्होंने बैट को नोटिस किया, बैट के तरफ ध्यान गया उनका। दे आस्क्ड वन अनदर, उनमें से एक दूसरे ने पूछा, हु इज दिस, ये कौन है। देन वन ऑफ द एनिमल्स सेड, उसमें से दूसरे एनिमल्स ने कहा, उनसे दूसरे एनिमल्स ने कहा, ही इज़ अ बैट, ये बैट है, ये चमगादड़, ही हैज़ फॉट अंगेंस्ट अस, ये हमारे अंगेंस्ट लड़ा था, एंड इज़ वन ऑफ देम, और ये उसमें से एक है, ये जो अंगेंस्ट युद्ध लड़ा था इसने हमारे साथ। द बैट सडनली रिप्लाइड, बैट ने अचानक से जवाब दिया जल्दी जल्दी से, नो नहीं, आई डोंट बिलोंग टू द बर्ड्स, मैं बर्ड्स के साथ बिलोंग्स नहीं करता। आई एम वन ऑफ यू, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। हैव यू सीन अ बर्ड हैविंग टीथ एंड हेयर, क्या तुमने कभी देखा है कि बर्ड के कभी टीथ और हेयर होते हैं। आई एम वन ऑफ द एनिमल्स, मैं तो उनमें से एक एनिमल्स हूँ, एंड आई डोंट बिलोंग टू द बर्ड्स, और मैं बर्ड से बिलोंग नहीं करता। दी एनिमल्स अलाउड द बैट टू स्टे विद देम विदाउट रिप्लाइंग एनीथिंग, तो क्या हुआ कि एनिमल्स ने उसकी कोई भी फिर आगे जवाब ना सुनते हुए उसको अपने साथ रहने की मंजूरी दे दी। आफ्टर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, और कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद, कुछ छोटे अंतराल के बाद, अनदर बैटल टुक प्लेस, दिस टाइम द वर्ड्स वॉन द बैटल, फिर कुछ समय बाद, कुछ समय के दौरान क्या हुआ कि एक छोटा सा युद्ध फिर लड़ा गया उन दोनों के बीच। तो इसमें क्या हुआ कि जो बर्ड्स थी वो जीत गई। एज द बैट साइट वॉज गेटिंग डिफीटेड, और जो बैट साइट में कौन था, एनिमल्स थे, तो वो डिफीटेड हो गए, वो हार गए। ही स्लिप्ड अवे एंड अगेन ही हिड अंडर अ लॉग, और वो फिर से स्लिप्ड होके भागा, और उसने अपने आप को कहाँ छुपा लिया, अंडर अ लॉग, लॉग के पास वह छुप गया। एज द वर्ड्स बिगेन टू मूव टूवर्ड्स योर होम आफ्टर द बैटल, जैसे ही वो जो बर्ड्स थी वो अपने घर की तरफ जा रही थी, दे सॉ द बैट मूविंग अलोंग विद देम, उन्होंने क्या देखा कि जो बैट है वो उनके साथ आ रहा है। दी वर्ड्स बिकेम वेरी एंग्री एट द साइट ऑफ द बैट, वो बैट का दृश्य देखकर वह बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया वर्ड्स को। दे एंग्रीली टोल्ड द बैट, उन्होंने गुस्से के साथ बैट से कहा, यू वर फाइटिंग अंगेंस्ट अस, तुमने हमारे अंगेंस्ट फाइट की है। यू आर नॉट अवर फ्रेंड, तुम हमारे फ्रेंड नहीं हो। यू आर अवर एनिमी, तुम हमारे शत्रु हो। सो व्हाई आर यू हियर, फिर तुम क्यों हो यहाँ पे। द बैट सेड, बैट ने कहा, ओ नो, नहीं नहीं, आई एम वन ऑफ यू, मैं तुम में से एक हूँ, आई डोंट बिलोंग टू द एनिमल्स, मैं एनिमल्स के बिलोंग नहीं करता। हैव यू एवर सीन एनी एनिमल दैट हैज़ विंग्स, क्या तुमने कभी एनिमल के विंग देखे हैं क्या, नहीं देखे ना, मेरे तो विंग्स हैं, तो मैं कौन हुआ, मैं बर्ड हूँ ना, तो मैं उन लोगों की साइड्स में नहीं, मैं तुम्हारी साइड में हूँ। ओके, एंड नेक्स्ट दी वर्ड्स डिड नॉट रिप्लाई, वर्ड्स ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। दे लेट हिम स्टे विद देम, उन्होंने उन लोगों ने भी उसको अपने साथ रुकने दिया। The bat went back and forth as long as the battle continued. When the battle got over, the words and the animals appointed a council to punish the bat for disloyalty. फिर क्या हुआ कि एक के बाद एक को होते गए युद्ध, लेकिन फिर जो वर्ड्स थे, जो एनिमल्स थे, उन्होंने एक काउंसिल बुलाई। काउंसिल मींस क्या होता है बेटा, अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डिसाइड चार्ज ऑफ डिसलॉयल्टी एंड अनफेयर
अनफेथफुलनेस, किसी का जो विश्वास तोड़ देते हैं, जो डिसलॉयल होते हैं, उसके लिए लोगों की एक सभा बुलाई गई कि उसको पनिशमेंट दिया जाए, किसको, बैट को। तो उन लोगों ने एक काउंसिल बुलाई, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल फ्लाई अराउंड अलोन एट नाइट, उन्होंने कहा कि अब जो रात में तुम्हें अकेले ही यहाँ से जाना होगा, नो वन विल बी योर फ्रेंड, और कोई भी तुम्हारा मित्र नहीं होगा तुम्हारे साथ में, नाइदर फ्रॉम द ग्रुप दैट कैन फ्लाई नॉट फ्रॉम दोस कैन दैट कैन वॉक, ना तो तुम उड़ सकते हो और ना ही तुम चल सकते हो, दैट विल बी योर पनिशमेंट, और ये तुम्हारा पनिशमेंट होगा फॉर बीइंग डिसलॉयल, किसके लिए, डिसलॉयल के लिए, देशद्रोह के लिए। दैट इज़ वाई, इसी कारण द बैट इज सीन फ्लाइंग अलोन एट नाइट, इसलिए हमेशा जो बैट होता है, जो चमगादड़ होता है, हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि आसमान में अकेला उड़ता है, वो उड़ता है ना सबसे ऊपर ऊंचाई पे, क्यों उड़ता है, क्योंकि उसको पनिशमेंट मिला था। थैंक यू बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।